प्राचीन भारत का ये भव्य शहर गर्व से खड़ा था। इसके अलंकृत मंदिर और चहल पहल भरे बाजार इसकी भव्यता के प्रमाण थे। लेकिन क्रूर उपनिवेशवादियों के आगमन से शांति भंग हो गई, जिन्होंने शहर को तहस नहस कर दिया, इसकी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को नष्ट कर दिया और इसके लोगों को गुलाम बना लिया और अपने पीछे तबाही और दिल टूटने का निशान छोड़ गए। प्राचीन भारतीय गांव को अपनी चपेट में ले चुकी थी, क्योंकि दुष्ट उपनिवेशवादियों ने तबाही मचाई, घरों और मंदिरों को जलाकर राख कर दिया। एक समय में शांतिपूर्ण सड़कें अब भयभीत ग्रामीणों की चीखों से भर गई थी, क्योंकि वे अपनी आजीविका और विरासत को नष्ट होते देख रहे थे। हवा में धुआं और विनाश की बदबू थी, क्योंकि उपनिवेशवादियों की क्रूरता ने अपने पीछे बर्बादी और निराशा के अलावा कुछ नहीं छोड़ा। उपनिवेशवादियों ने सोचा कि वे प्राचीन शहर को तबाह कर देंगे, लेकिन हिंदुओं की योजना कुछ और ही थी। जय हिंद के जोरदार नारे के साथ वे युद्ध में कूद पड़े। उनकी तलवारें सूरज की रोशनी में चमक रही थी। उपनिवेशवादियों को अचानक पकड़ लिया गया, जैसे कि अंग्रेजों का एक चुन बिना चिल्लाए नान ऑर्डर करने की कोशिश कर रहा हो। हिंदुओं ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी, उनके पगड़ी पहने योद्धाओं की ताकत का अंदाजा लगाया जा सकता था। अंत में उपनिवेशवादी अपनी चाय और क्रम्पेट छोड़कर भाग गए। हिंदुओं ने आतिशबाजी और हमने आपको पहले ही बता दिया था केक के साथ एक बड़ी दिवाली पार्टी मनाई।